अच्छा, फिर एक सवाल अतुल्ला सादिक रूहानी से फिर पूछा गया कि आखिर ये क्या अब तक 313 का अदद पूरा नहीं हुआ? बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारा तो इस अमल इस काबिल है नहीं कि हम 313 में शामिल हो सकें। तो इतने हजार साल से ज़ायद गुजर गए हैं, इतने उलमा मुज्तहिदीन मराजे आए हैं, फौरन लोग इसके इस चीज़ को उनके खिलाफ भी पेश करते हैं, क्या अब तक ये 313 का अदद पूरा नहीं हुआ? तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि हाँ, फिर उनसे एक और भी सवाल यह हुआ कि अगर बिलफर्ज 313 का अदद पूरा हो भी जाए तो ये क्या ये काफी होंगे कि पूरी दुनिया के मुखालिफिन से ये 313 अफराद से जंग करें? तो आयतुल्ला सादिक रूहानी ने इसका जवाब दिया कि देखें, ये लोगों की गलत फहमी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बस सिर्फ 313 ही असाब होंगे। फरमाया ये अव्वलीन गुरोह की तरफ इशारा है, जो इमाम की सिर्फ पहली आवाज के ऊपर जो अफराद पहुंचेंगे वो इंतहाई खासुल खास अफराद होंगे, वो अव्वलीन गुरोह है, और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि चलें, आपको यह है ना कि पहले दिन वाले जो पहुंचने वाले 313 अफराद हैं उनमें अगर आपका शुमार नहीं हो रहा है तो उसके अगले दिन वाले में शुमार हो जाइए, उससे परसों वाले अगले जो दिन आएगा उसमें शुमार हो जाइए, उसके एक हफ्ते बाद वाले में शुमार हो जाइए। ये मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। 313 अफराद तो वो जर्नल हैं जो इमाम जमाना की फौज के क्लास से सिपा सालार हैं, उसमें अगर कोई शख्स शामिल नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, इमाम जमाना को उसके बाद और भी बहुत सारे अफराद की जरूरत पेश आएगी, आप उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन ये अव्वलीन गुरोह का तस्करा है, फकत ये नहीं कि मुनहसिर हो गया ये अदद ये कुछ खासुल खास अफराद के लिए, लेकिन आम अफराद उनकी फौज वो बेशुमार होगी, उसके अंदर शामिल हुआ जाएगा। देखिए लोग वो जैसे इससे पहले बात हो रही थी कि वो सोचते हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो ठीक है, उस वक्त हम आमाले सालेह और नेक बन जाएंगे। आमाले सालेह के साथ इंतजार करने का फायदा है, और अगर आमाले सालेह का इंतजार करते हुए कोशिश करें कि इस दुनिया से रुखसत हो, इंतजार करें नेक बनने के साथ। तफसीर बुरहान के अंदर बाकायदा, जो कि बिहारुल अनवार की 36वीं जिल्द में भी ये रिवायत मौजूद है, तफसीर बुरहान में भी, कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनके खिदमत में एक बूढ़ा आता है और आकर सलाम करता है इमाम को और कहता है, यबना रसूलिल्लाह अपना हाथ बढ़ाइए, मैं क्या आपके हाथ को बोसा देना चाहता हूं। इमाम ने अपना हाथ दिया, उसने इमाम के हाथ का बोसा लिया, उसके बाद जारो कतार उस बूढ़े ने रोना शुरू कर दिया। इमाम ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि मौला 100 साल से जायद मेरी उम्र हो चुकी है और मैं कायम आले मोहम्मद का इंतजार कर रहा हूं। आइमा पैगंबर से लेकर दीगर आइमा तक मुसलसल इमाम जमाना का इतना जिक्र करते थे, असहाब के अंदर वो तड़प पैदा हो गई थी उनको देखने की। मौला 100 साल से जायद मेरी उम्र हो गई है और मैं कायम आले मोहम्मद का इंतजार कर रहा हूं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मैं मौत के करीब पहुंच गया हूं और जिसकी आरजू की थी उसे नहीं पा सका हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप शदीद मुश्किलात में हैं, आपका दुश्मन खुशहाल है, लिहाजा मौला मैं क्यों ना रहूं। इमाम ने उसकी बात सुनी तो खुद इमाम की आंखों में भी आंसू आ गए और कहा कि ए मर्दे बुजुर्ग, अगर तू इस हाल में जिंदा रहा और हमारे कायम को देख लिया तो तेरा मर्तबा बहुत आला होगा, और अगर तुझे मौत आ गई तो रोजे कयामत तू रसूल खुदा के साथ मशहूर होगा। लिहाजा अपने सुनान फराइज अपने वजीफे शरई के मुताबिक अमल करके इस दुनिया से जाए। अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने खुदा के इज़्ज़त से ज़हूर किया तो इंशाअल्लाह उनका दीदार नसीब होगा, वरना क़यामत में रसूलल्लाह की हमराही नसीब होगी और इंशाअल्लाह उनकी ज़हूर के बाद रजत में मोमिनीन को उठाया भी जाएगा उनकी मदद के लिए।